यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या बनाया है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी समझ में आएगी। तो वीडियो को देखिए मैंने शुरू किया है और क्या बनाया है, तो आप लोग ये वीडियो में ही देखिएगा, आप लोगों को खुद पता लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं बनाना, वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूँगफली। ये है कच्ची मूँगफली, हम ले लिए हैं। देखिए तो कच्ची मूँगफली का आज में हम हलवा बनाएंगे, आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसे आप चाहे तो भिंगो भी सकती हैं, कुछ देर पहले आधा एक घंटा पहले भिंगो दीजिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी पीस कर बना सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसे भिंगोए नहीं हैं, हम इसे पीस लेंगे ग्राइंडर में पीस के, और इसे पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है मूंगफली को पीस लिया है और बिल्कुल इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये बिल्कुल तैयार है, अब बनाते हैं हम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए हैं, उसमें हम घी डाल दिए हैं। तो घी यहाँ पे हमने 2 से 2.5 चम्मच डाल दिया है। ये हमारा जो है देखिए गरम हो चुका है। तो इसमें जब हम जो ये पीस कर हम रखे हुए हैं मूंगफली के, तो इसे अब हम डाल देंगे, और इसे डालकर हम अच्छे से इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम जो है लो रखेंगे। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम चलाकर भूनते रहेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पीनट में जो है ऑलरेडी ऑयली होता है घी जैसा, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। 3 से 4 चम्मच ही घी बहुत है। तो इसे हम चला चला के भूनते रहेंगे। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, कलर जो है चेंज हो रहा है और इसकी खुशबू भी आने लगी है, ये भून रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है ये ले लिए हैं पनीर। ये मावा नहीं है फ्रेंड्स, ये पनीर है। तो पनीर को आज हम हलवे में डाल के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी ये हलवा तैयार होता है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो पनीर को मैंने यहाँ पे तोड़ के बिल्कुल, और इसी के साथ जो है हम भून लेंगे पीनट के साथ ही, जो ये मूंगफली लिए हैं उसी के साथ हम पनीर को भी 2 से 4 मिनट भूनेंगे। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। आप लोग हलवा तो बहुत बार खाया होगा मूंगफली का बना के, लेकिन एक बार आप लोग मेरे तरीके का बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो बस इसे हमें भून लेना है, क्योंकि पनीर जो है कच्चा होता है, तो इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। यहाँ पे हम मावा का यूज नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ये मैंने पनीर का यूज किया है, और इसे अब हम धीरे धीरे भूनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब जो है हमारा मूंगफली का जो ये है बिल्कुल भून गया है, और इसी के साथ पनीर भी भून गया है। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है 1 कटोरी के लगभग, तो चीनी भी डाल देते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना मूंगफली लिया था उससे थोड़ा सा कम चीनी लिया है, और चीनी को भी डालकर पहले तो एक बार चला लेते हैं अच्छे से, इसे मिला लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद दिला दे, अगर आप लोगों मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। तो देखिए यहाँ पर मैंने चीनी को भी मिला दिया, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी को डाल के हम चला लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है बिल्कुल बनके। ये हलवा हमारा तैयार है, तो गैस को कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने हलवे निकाल दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, डालना है तो ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप अपने जो भी आपके पास हो या जो भी आपको पसंद हो खाने में तो उसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू को जो है डाल रही हूँ, ये देखिए। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारे हलवा बनके बिल्कुल तैयार है, मूंगफली के, कच्ची मूंगफली के। तो आप देख सकती हैं आप फ्रेंड्स, चाहे यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे जैसे पनीर का इस्तेमाल की हूँ तो आप चाहे तो मावा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या बिना मावा नहीं हो तो आप आधे कप दूध को भी डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी ये हलवा बन के रेडी होगा। तो बहुत ही टेस्टी हलवा बना है, तो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिएगा इसी के साथ, और हाँ प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा जाते समय। बाय बाय।